जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आज की सेशन के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे संगणक भर्ती परीक्षा की कट ऑफ। देखिए सवाल पीछे स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे, किन किन प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं आपके बीच, कितने विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठे, कट ऑफ का अनुमान उसी के पर लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कट ऑफ कितनी रह सकती है, परिणाम कब तक आएगा और पद कितने बढ़ सकते हैं। ये अहम सवाल जानने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को बिगर स्किप किए हुए अंत तक देखना, तभी पूरा मैटर आपके क्लियर होगा, नहीं पता ही नहीं चल पाएगा आपको कि आप कट ऑफ किस तरीके से सेटलमेंट है। ठीक है, पदों में वृद्धि हुई है तो कितनी हो सकती है, उन सभी रहस्यमय सवालों की चर्चा करूंगा आपके बीच, फिर कट ऑफ की चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करूं पदों को लेकर, पिछले बार पद थे 400 पद, इस बार हैं 250 पद, कितने हैं 250 पद, अब कितने और पद बढ़ सकते हैं। सरकार की ओर से एक संकेत मिला है 150 पद बढ़ सकते हैं, यानी ये भर्ती भी 400 के पास जा सकती है। अगर ये भर्ती 400 पदों के समीप पहुंचती है तो कट ऑफ वही रहेगी, पेपर का लेवल देखते हुए अनुभव लगता है कि कट ऑफ उससे नीचे आ सकती है पर उससे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अगर इस भर्ती में भी 400 पद हो सकते हैं संभावनाएं पूरी पूरी बन रही हैं। ठीक है, देखिए पिछले बार जो जनरल की कट ऑफ गई थी 62.31 थी, मेल की जो कट ऑफ है तो फीमेल की से डाउन ही थी, 57.93 थी, तो कट ऑफ में मुझे लगता है 1 से 2% गिरावट आएगी। ठीक है, जैसे एससी की 51.69 थी, तो अगर इस साल 400 पद रहते हैं तो कट ऑफ डाउन आएगी, चिंतित मत हो, आपको दिखाया जाएगा कि कट ऑफ 65, 68, 70, तो ये आपको चिंतित करने के विषय हैं, चिंतित नहीं होना है। अब एसटी और ओबीसी और एमबीसी की चर्चा करें तो ओबीसी की 60.72 कट ऑफ थी पिछले बार, इस बार डाउन रहेगी क्योंकि पद उतने ही हो जाएंगे, देख लेना अंतिम समय तक। और एसटी की 49 थी पिछले बार, एमबीसी की 59.92 थी, तो सभी कट ऑफ में परिवर्तन होगा। कट ऑफ का पूरा शेड्यूल क्लियर हुआ, अब आगे हम चर्चा करेंगे कि परिणाम कब तक आएगा, परिणाम जल्द ही आएगा और कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे। ठीक है, लगभग 1.25 लाख विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी है। ठीक है, और इसमें जो परिणाम है वो जहां तक संभव है फरवरी के एंड तक परिणाम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बोर्ड के पास पहले प्राथमिकता है पटवारी का परिणाम निकालना, और पटवारी में नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद उसकी परिणाम आएगा, फिर पटवारी से फ्री होते ही आपका ही परिणाम आएगा। ठीक है, तो उसमें वक्त लगेगा, उसके बाद ग्राम सेवक की परीक्षा है, फिर इसकी प्री का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी बोर्ड की ओर से। अब सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ऑन करनी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कट ऑफ का सारा सॉल्यूशन क्लियर हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।